नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा सरोज खान का है। 13 साल की उम्र में 41 साल के शख्स से शादी कर मां बनी सरोज खान को आखिर सोहनलाल ने छोड़ क्यों दिया? अपने डांस के लिए मशहूर बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान ने 3 जुलाई को 2020 दुनिया को अलविदा कहा और सरोज को बॉलीवुड की फिल्मों में उनके ज़बरदस्त डांस कोरियोग्राफी के लिए जाना जाता है। माधुरी दीक्षित से लेकर श्रीदेवी के साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया। सरोज खान की प्रोफेशनल जिंदगी जितनी सफल थी, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही विवादों से भरी रही। सरोज खान की शादी महज 13 साल की उम्र में हो गई थी। उन्होंने इतनी छोटी उम्र में 41 साल के डांस डायरेक्टर बी सोहनलाल से शादी की थी। सोहनलाल तब पहले से शादीशुदा थे और 4 बच्चों के बाप भी थे। हालांकि सरोज को ये बात पता नहीं थी। सोहनलाल बॉलीवुड फिल्मों में डांस डायरेक्टर थे। उन्होंने सरोज को डांस की जो प्राइमरी ट्रेनिंग होती है वो दी। सरोज ने उनसे कथक, कथकली, मणिपुरी, भरतनाट्यम सीखा। 14 साल की उम्र में सरोज खान ने अपने पहले बेटे राजू खान को जन्म दिया। 2 साल बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जो 8 महीने से ज़्यादा नहीं जी सकी। इसके बाद सोहनलाल ने उनके बच्चों को नाम देने से मना कर दिया और अलग होने की मांग की। अलग होने के बाद कुछ समय बाद सोहनलाल ने सरोज को दोबारा अपना असिस्टेंट बनने का ऑफर दिया। मना करने पर उन्होंने सिने डांसर्स एसोसिएशन के साथ सरोज पर केस तक दर्ज करवा दिया। हार कर सरोज को अपने काम से इस्तीफा देना पड़ा और वो वापस सोहनलाल के साथ काम करने लगी। सरोज दोबारा मां बनी और इस बार उन्हें बेटी हुई, लेकिन इस बार सोहनलाल उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चेन्नई और उस समय के मद्रास चले गए। बाद में सरोज की मुलाकात बिजनेसमैन सरदार रोशन खान से हुई। रोशन खान की भी शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन उन्हें सरोज बेहद पसंद थी। रोशन खान ने सरोज से शादी की और उनके बच्चों को अपना नाम भी दिया। एक इंटरव्यू में सरोज ने बताया कि वो और उनकी सौतन यानी रोशन की पहली पत्नी बिल्कुल बहन की तरह रहती हैं। सरोज ने बॉलीवुड में नाम बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की। उन्हें फिल्म मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी के गाने हवा हवाई को कोरियोग्राफ कर एक पहचान मिली और इसके बाद उन्होंने नगीना और चांदनी जैसी फिल्मों में श्रीदेवी के साथ काम किया और बाद में वो माधुरी दीक्षित से मिली और तेजाब फिल्म का वो गाना जिसमें 1, 2, 3 गाने का कोरियोग्राफ सरोज खान ने किया। और अपने 40 साल के करियर में सरोज खान ने 2000 से ज़्यादा गानों की कोरियोग्राफी की। उनके क्लासिकल डांस के चर्चे बॉलीवुड ही नहीं विदेशों में भी रहे। उन्होंने माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी समेत जूही चावला, ऐश्वर्या राय और कई अन्य बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को डांस में परफेक्शन दिया। सरोज खान ने फिल्म जब वी मेट, गुरु, तमिल मूवी शंगारम, लगान, हम दिल दे चुके सनम, देवदास, इन तमाम फिल्मों में डांस कोरियोग्राफ करने के लिए नेशनल अवार्ड भी जीता। एक समय पर वो टीवी पर अपना डांसिंग शो भी लेकर आई थी जिसमें वो दर्शकों को फिल्मों के गानों पर डांस सिखाती थी। बॉलीवुड में उन्हें प्यार से मास्टर जी बुलाया जाता था। और आपको बता दें कि फिल्म जगत का एक बड़ा हिस्सा रही सरोज खान। जब 13 जुलाई 2020 को दुनिया को अलविदा कहा तो उनके चाहने वालों की सांस अटक गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।